नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप योनो ऐप के माध्यम से अपने खुद के अकाउंट का क्यूआर कोड कैसे जनरेट करोगे। क्यूआर कोड जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है अगर यदि आपको किसी से पेमेंट मंगवाना है यूपीआई ऐप के माध्यम से, तो आप अपना क्यूआर कोड उसको शेयर कर सकते हो और अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हो। जनरली क्यूआर कोड आपको शॉप्स वगैरह पे दिखता है कि हमें कि अगर आप शॉपकीपर हैं या दुकानदार हैं और आपको छोटा मोटा पेमेंट लेना है तो आप अपनी शॉप पर क्यूआर कोड लगाते हैं। आइए हम वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको क्यूआर कोड जनरेट करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने योनो ऐप ओपन है। आपको योनो ऐप के पहले पेज पर जाना है और योनो पे पर क्लिक करना है आपको। इसके अंदर आपको भीम यूपीआई वाली जो टैब है उस पर क्लिक करना है। अगर सिस्टम आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है तो वो सारी परमिशंस आपको देनी है। फिर आपको आगे बढ़ना है और अपनी सिम सेलेक्ट करनी है जो कि बैंक में अकाउंट में रजिस्टर्ड है। सिस्टम कुछ टाइम लेगा उसके वेरिफिकेशन के लिए, आप तब तक वेट कर सकते हैं। जब आपकी सिम एक बार वेरीफाई हो जाएगी तब सिस्टम आपको आगे बढ़ने देगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। अब ऑलरेडी अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपका कोड डालना है जो कि आप यूज़ करते हैं। अब इसके आप पास आ गया कि यूपीआई पिन सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट पर स्क्रीन आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जिसके अंदर आपको रिसीव पर जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। अब ये आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको शेयर करना चाहूँगा अपने किसी फ्रेंड्स के पास ताकि मैं उससे यूपीआई पेमेंट किसी तरीके से ले पाऊँ। मैं शेयर की बटन पर क्लिक किया, फिर मैं ऐप को चूज़ कर लूँगा जिस भी ऐप के माध्यम से मुझे यह शेयर करना है। मैं व्हाट्सएप पर इसको भेज सकता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लूँगा जिस भी व्यक्ति को मुझे ये भेजना है। तो इस तरीके से देखा आपने कितना आसान है क्यूआर कोड आपका खुद का पर्सनलाइज सेंड करना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।